फोन सुबह से फोन कर रहे हैं, 15 मिस कॉल किए लाला भाई की फुल हवा चालू है इलेक्शन में ठहरने की। क्या बात कर रहे हैं? मेरे को भी लगा था रात को 8 बजे फोन होना। क्या बोल रहे थे? इस बार का इलेक्शन का चुनाव इनको जीतने का है बोल रहे हैं ना। इलेक्शन में लड़ते हैं। देखो कॉल करके तो देखो लाला भाई क्या बोलते। देख तो रुको जरा। हाँ लाला भाई, कहाँ है लाला भाई? अरे बहुत देर हुई आके मेरे को, आओ जल्दी आओ। अरे लाला भाई आए ना लाला भाई। अरे आए तो लाला अपना मोहल्ला इतना बड़ा है, मैं मोहल्ले से खड़ा। पर अपने मोहल्ले में अब्दुल भाई बोल के जो है कैंडिडेट, वो तगड़ा कैंडिडेट है। जो भी हो, जितना भी पैसा जाने दो, मेरे पास से पैसा ले लो तुम। हर मतदान को तुम पैसा ले लो। लाला भाई बराबर है आपकी बात, पर जो ये अब्दुल भाई जो है इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। पैसे इसको हराना पड़ेगा। पैसा मेरे पास बहुत है, उसके पास पैसा है, फैन फॉलोइंग लेके क्या करेगा? पैसा चाहिए ना, जो पैसा मेरे पास है। आप पैसा लगाने को तैयार हो? जितना बोले उतना पैसा लगाऊंगा मैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। आप इलेक्शन ये जीत गए समझो लाला भाई। क्या ये नूर भाई का वादा है? बस इतना काम करा दो मेरा, जो भी पैसा जाएगा, जितना भी खर्चा होगा तुमको सबको, उतना मैं कर दूंगा। ठीक है, शाम में बस 25,000 अपने बंदे के हाथ में पार्टी के लिए भेज देना बस। शेरा ठीक है, शेरा आदमी को भेजता हूँ तेरे पास। ठीक है, आऊँ लाला भाई। और इतना सा मेरा काम कर दो, पैसा जितना भी जाएगा पैसा मैं दे दूंगा। नूर भाई की जबान बोले तो आखिरी दफा, बस तुम्हारी जबान पे मैं इतना काम। चलो चलो बिंदास। अब्दुल भाई चुनाव आ रहा है नजदीक, कुछ आपका प्लान है कि नहीं इस बार इलेक्शन में लड़ने के वास्ते? प्लान तो बहुत कुछ है, इस बार तो अपनी सीट आएंगी। ये तो जरूर अपनी सीट, हर बार आती जा रही है, ये बार भी आ जाएंगी अपनी। बहुत जम के करेंगे मेहनत, तैयारी तो जितना खर्चा होता है, जितना पैसा लगता है उतना पूरा करने का। हाँ ये बात आप पहले बोल रहा हूँ आप दोनों को, जितना पैसा जाएंगे उतना खर्चा करने का। अरे ये कौन है पीछे? अरे अपना कजरी है सामने आ चला। अरे अब्दुल भाई तुम्हारे खिलाफ में वो लाला चुनाव में लड़ रहा है। कौन बोला? नूर भाई। नूर बोला? हाँ पक्की रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट है। अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा। नूर को लगा फोन, क्या बोलता देख नूर। अब एक मिनट, तैयारी फास्ट होना चाहिए, बहुत जंग करेंगे मेहनत। हाँ नूर भाई किधर हो? अब्दुल भाई बुला रहे आपको, आओ ऑफिस में आओ जल्दी। आराम से, एक मिनट। मेरे सामने का लौंडा साला मेरे ही ये कर रहा है, चलने वाला राजनीति है। हाँ अब्दुल भाई बोलो कैसा याद करे अब्दुल भाई? क्या ये पक्की है रिपोर्ट? क्या हो वो लौंडा कह रहा? वो लाला लाला। हाँ लाला, लाला से बात हुई मेरी, लाला बोल रहे कि पक्का इस बार इलेक्शन जीतने का चल। मेरे सामने का लौंडा साला मेरे ही आपस में कह रहा। मैं क्या बोलता हूँ, तुम लाला से बात करो एक बार। क्या बात करेंगे? लाला को ले दे के कुछ होता रहेगा तो कॉम्प्रोमाइज करके। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कुछ तो बन मुट्ठी दे देंगे। क्या कितना लेगा वो? जो लेगा वो अपन बात करेंगे ना उसको। तो कितना बनता? नहीं नहीं अपन बात करेंगे ना उसको। पैसा है लाला भाई, उन्हें जितना भी मंगा उतना देना पड़ता अपने को। क्यों अभी तक तुम बिन विरोध आए वाले? वो तो आया। अगर कोई भी आपके अपोज में आएगा समझो, लोगों के दिमाग से आपका डर खत्म होएगा। क्या बहुत मुश्किल आएगी आपके पास? अपना कुछ भी वोट भी नहीं रहेंगे फिर। ठीक है जो बोलता है नोट। हाँ। वोट है।
एक 20,000 रुपए दो शाम में जरा खर्चा पानी को। 20? हाँ 20 दे दे। ठीक है करता हूँ, भेजता हूँ आदमी को। ठीक है आओ बता दो नूर भाई, होगा आपका काम करना दे दो। हाँ लाला भाई कैसा है बोलूँ क्या, अभी तक हम ये चुनाव पूरा अभी तक जब से खड़े हैं अभी एक बार भी नहीं गिरे हम। इस बार गिर जाओगे? नहीं नहीं इस बार तुम पैसे लो पीछे हट जाओ। पैसा नहीं चाहिए इस बार, मैं नहीं लड़ा। नहीं नहीं इस बार तुम पीछे महंगा लेना हो अगली बार ही देख लेंगे। कितना चाहिए तुझे, कितना चाहिए तुझे? पैसा नहीं लूंगा रे दादी और शेरा। तुझे देखना है क्या लाला भाई, तुम खाली हाँ बोल दो। पैसा नहीं चाहिए मुझे। 50 लाख? नहीं बे पैसा नहीं चाहिए मुझे, समझा तुम्हारे आदमी को। नहीं पैसा देना पड़ेगा इस बार, हम चुनाव लड़ेंगे और पैसा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। हम हर बारी बिन विरोध निवड के आए, इस बार गिरोगी गिरोगे शेरा। गिराने के लिए दम चाहिए अब्दुल भाई, एक मिनट। इसके पास बहुत पैसे लग रहा है, इसके ये इसके पर काटना पड़ेगा, बहुत ऊपर उड़ रहा है। हाँ वही करना पड़ेगा। लाला भाई तुम खाली हाँ बोल दो। तेरा एक मिनट, इनको मारने के लिए तुम ही काफी हो, मगर ये महागार होए के लिए मुझे पूछना है। तुम महागार हो तू? मैं महागार नहीं हूँ, समझ के ज्यादा बात मत करो। इलेक्शन है। इधर आ जाओ शेरा, दिखा देंगे हम तुमको। लाला भाई मैं इसको दिखा दूं क्या? कोई बात नहीं रुक जाओ, उस गुल्लू को मैनेज करने की मीटिंग बताओ और उसे बुला लो। ठीक है मैं बुला दूं। वो मैनेज कर देंगे अपन, अपना काम हो जाएगा। ठीक शेरा ऑफिस पे ले गया उसे। ठीक है लाला भाई जल्दी जाके ले गया तू। शेरा हाँ नूर भाई आ गया क्या? हो रहा है नूर भाई सामने आ रहे हैं। पकड़ मोबाइल। और लाला नूर भाई तेरे को एक बात बता रहा हूँ, राज की ये जमीन है मेरी। हाँ और ये जमीन है तीसरे एक गिरी की, तो ये जमीन मेरे नाम पर होना, यहाँ मेरे को काउंसलर बनाना है और इसके में मेरा बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो रही मेरी। पर ये जो जमीन है लाला, हाँ ये गरीब लोगों के वास्ते है जमीन क्या? ये लाल सिंह जो था, हाँ जो परसों मरा हो, वो बोल रहा है कि ये जमीन बोल के मरा हो, हाँ कि ये गरीब के वास्ते बनाने का है बोल के, इधर कुछ एजुकेशन के वास्ते है, उनके डेवलपमेंट के वास्ते है। वो जो जारी छोड़ गरीब का छोड़, ये मेरा फायदा हो रहा ना 100 करोड़ का, यहाँ गरीब रहेंगे नहीं तो मरेंगे रोड पे, मेरा फायदा हो रहा ना। और जो मैं राजकरण में आ रहा इसलिए राजकरण में आ रहा हूँ, वो अब्दुल जो है ना अपक्ष पार्टी अपनी, उसको गिराने का है अपने को। राजकरण में तो उसको गिराएंगे अपन, इलेक्शन तो अपना अच्छा हो, पर ये जो जमीन है हाँ गरीब लोगों के वास्ते, एक बार सोचो बोल रहा हूँ, गरीब लोगों का हक नहीं मानना। गरीब रहेंगे नहीं तो रोड पे मरेंगे, मेरे को उसका कुछ लेना देना नहीं, ये जमीन मेरे नाम पे होना, मेरा फायदा इधर 100 करोड़ का हो रहा है। और तुझे एक राज की बात बताऊं क्या, उसमें जो उसका मालक मरा उसको मैं मारूं? क्या बात कर रहे हो, मुझे झूठ बोल दो और किसको बोल मत। और इसकी जो प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की, जो मेरे को फायदा हो रहा है, वो गरीब जाएंगे नहीं तो किधर तो जाएंगे, रोड पे आएंगे, इतना मेरा काम करने का। और वो जो अब्दुल अपक्ष पार्टी है उसको तो राजकरण में से हटाने के छाप ले वो, हटेंगे उसको। चलो ठीक है जो है वो देखेंगे, काम चालू करेंगे फिर अपना। तो चालू तुम देखो क्या होता है कि मेरे को करो कॉन्टेक्ट। ठीक है हाँ फिर शेरा निकालो गाड़ी। लाला की सच्चाई पता चलने के बाद नूर उसके खिलाफ हो गया और उसने एक मास्टर प्लानिंग बनाई लाला को हराने के लिए। उसने वसीम को एक खबरी के तौर पर लाला के पास भेज दिया। अरे गुल्लू को बुलाएगा तू? गुल्लू तो नहीं आया, उसका एक खास आदमी आ रहा है। हाँ तो बुला, बात करेंगे। हाँ वो आया, सामने आ रहा है। आया क्या? हाँ आया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गुल्लू का खास आदमी है ये? हाँ बहुत खास आदमी है। समझाएगा सब काम इसको तू? हाँ समझाए। गुल्लू क्या आना जमा नहीं, वो ऐसे काम नहीं करता कुछ भी, उसको पैसा की बात है तो अपन आती है आगे। ऐसा है, कितना लेगा तू पैसा? 1 करोड़ से कम नहीं लेंगे अपन। देख क्या तू भी? नहीं नहीं 1 करोड़ से कम नहीं होता, इलेक्शन में जितना है तो 1 करोड़ से कम नहीं होता। तेरे को 70 देंगे अपन अपना काम कर। नहीं नहीं 70 से एक भी कम नहीं होता, डील पक्की है तो बोलो करेंगे काम। बोला चल ले ले पैसे तेरे को। हाँ पूरे दे चल। एक कोट दे तू पूरे। हो गया फाइनल? फाइनल हो। और अपने को पूरा काम करना पड़ेगा तू पूरा A to Z। ये काम के बारे में तुम फिकर छोड़ दो, वो पूरा काम करना टोटल। शेरा काम इसको बता दो दोनों मिलके। हाँ
और इतना काम करो और मेरे को अब्दुल को किसी भी हालत में गिराना ही गिराना। ये अब तुम चिंता छोड़ दो, पैसे अगर मेरे पास एक कोटा है ना, हाँ वो फिक्र मेरी रही हो। चल तो अब्दुल को गिराओ, एक कोटी इसको शराब देंगे पैसे। हाँ दे देंगे। और इसका पूरा काम जो है खर्चा पानी सब अपनी तरफ लगाओ। हाँ, और काम ही नहीं देखो कैसा कर पाए, पूरे दिल से काम करो खाली। और देखो हाँ जो हर पल की जो खबर पड़ रही है वो सब मेरे को होना, सब लगेज मेरे को फौरन बताना जो भी तुम्हारी चालू है वहाँ खुशबू। इसकी फिक्र मत करो तुम, चलते हैं। तुम्हारे पर भरोसा है उतना काम करो अपना। हाँ। अब्दुल को किसी भी हालत में गिराना ही गिराना है, ठीक है? हो जाएगा काम तुम्हारा। छेड़ा इसका सब देख के ले लो और मेरे को फोन लगाओ। हाँ ठीक। हाँ हाँ आता हूँ मैं थोड़ी। अरे क्या अनुर भाई, पार्टी जाने बोल के यहाँ बुला देंगे, क्या काम बोलो। ठीक है, ये क्या रिलेशन है यार राजकरण का, पूरा इलेक्शन का। हाँ। और पुलिस बहुत बैठा हो रहे हैं, क्या करने का? अब जो अपना प्लान है प्लान चेंज करेंगे, अपन जिताने वाले थे लाला को। हाँ वो तो काम करना पड़ता, अपने को जिताने का है अब्दुल को। क्यों? अपन तो उसके तरफ से बच देना। लाला की सच्चाई मालूम है तो अपने। हाँ। लाला है ना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। क्रिमिनल है? तुम्हारा मेरे को लाला जमीन दिखाने को लेके गया। हाँ। तो उसकी जमीन है वो तो क्यों मालूम है? मालूम है बाजू में जो अपने लाल सिंह की जमीन थी, जो लाल सिंह अपने को बहुत बहुत लाड़ करता था। हाँ। वो जमीन पर कब्जा करने को आती है लाला इलेक्शन में आए वाला है, राजकरण में आए वाला है इलेक्शन, उसकी वजह से अब्दुल को ज्ञान वाला है। और जो लाल सिंह का मर्डर हुआ था उसमें सब में बड़ा हाथ लाला का है, तो इसकी वजह से अपने को लाला फिरा है। ये बातचीत पलटाना पड़े हमें, भूल गया ऐसा अपन तैयारी कर दिया होता, पूरी पलटाना पड़े। लाला तो मेरे को भी दिया एक करोड़। अरे ये प्लान है अपना, अपने पास अब्दुल का देखो मालूम है, वो पैसा तो वाटअप कर लेकर क्या उससे बोलेंगे एक वोट को 1000 रुपये में, और अपने मार्केट में आवाज वोज करने के एक वोट को 1000 दे रहे हैं, एक वोट को 1000 अगर अपन दिए तो अपन एक वोट को 1000 नहीं देने का। वो से बोलता है अब्दुल पार्टी का एक 2000 लोग आपको पैसा 2000 का बांटने दे उसको पैसा, वोटिंग है 4000 अपने को एक वोट को देने की। अरे बढ़िया ज़्यादा दो हज़ार ज़्यादा ना, अगर अपन हवा करेंगे एक वोट 1000 रुपये दे रहे हैं अपन। हाँ। मतलब अब्दुल भाई तो लाला क्या करता है, लाला है जल्दबाजी उन्हें क्या करने वाला, एयरपोर्ट को 2000 रुपये देने वाला, 2000 भी दिया अपन 8500 दी एयरपोर्ट को, तो क्या अपना जेब को पैसा जा रहा नहीं, जो तू 1 करोड़ ले रहे हैं, ये जो 1 करोड़ ले रहे हैं लाला के पास वो अपन नोटिंग कितना हो रहा है 8500 4000 कितना 1 करोड़ समझ गया? तो बटा था ना एक अपने को बता नहीं जाने लाला जी, लाला जी उनकी मौत का और जो गरीबा का मतलब अपन मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करूँ। हाँ। तू अभी इलेक्शन में मत रुक तू। क्यों? हाँ। क्योंकि अब तू रहेगा तो अब्दुल भाई है ना तेरे से काम लेने वाले, कोई काम लेने वाले, और तू मार्केट में जाएगा, इनको मार्केट में मैं लेके जाने वाला हूँ, अब्दुल को बोल कि मैं बाहर जा रहा हूँ क्या, पर तू रहने वाला गवर्नमेंट में, क्योंकि पैसा वाटा अपने को दोनों को करने का है, पर 8500 दे रहे हैं। और ये अब्दुल को बोलेंगे तो अब्दुल नहीं मानेगा बात, नहीं ये हाथ से पैसा छूटता नहीं, पैसा छूटने का अपने को है, अपने को अब्दुल की चीज जरूरी नहीं है, अपने को गाँव वाले का फायदा करने का है और लाल सिंह को न्याय दिलाने का है और दादा भाई को जेल को डालने का है, लाखों के पीछे लाखों के पीछे, बस यही टारगेट है अपना। अब्दुल भाई गुल्लू दिख रहे नहीं, किधर गए? गुल्लू वो गया सोलापुर, उसको क्या अर्जेंट काम है कहते हैं, मैच भेजा उसे सोलापुर गया। प्रचार का क्या हुआ अपना? प्रचार आज शाम में करने का है, जो अपने को वोट जम के प्रचार करना है। अब्दुल भाई हमारे से एक बुरी खबर लाए। हाँ बोल। वो लाला है ना। हाँ। उसके साथ नूर भाई। हाँ। मिले मिले। अरे उसको नूर को 25000 दिया था ना तेरे हाथ में, तो उन्हें मिले तो अब मेरा क्या उसके अंदर? अरे उसको बोला कि ला फिर मेरे सामने आ बोलना। लाला के साथ है। लाला के साथ है? हाँ। तो लाला के साथ है? मिल गया वो लाला के साथ। इस बार बहुत मुश्किल दिख रहा है अपने को। अपन करेंगे कुछ तो, मेहनत करेंगे कुछ तो, क्या तो करेंगे अपन।
सब साले पार्टी चेंज करते जा रहे हैं, सब पार्टी चेंज करते जा रहे हैं। नहीं अभी क्या तो करना पड़ेगा दूसरा कुछ तो, अभी ये सब मिले अभी आप अभी क्या करने का बोलो तुम ही। अभी मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा है यार, ऐसा सब अपने सब बंदे फुट फुट के जा रहे हैं, अब क्या करेंगे बोल, तू समझा मेरे। चल इसको भेजेंगे उसके पास, नूर को लेके आ मेरे पास। ठीक है ठीक है, तेरे को बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ तेरे को। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बैठो अपन लगेंगे प्रचार। अब्दुल भाई टेंशन मत लो तुम, खबरी लाल गया उसको बुलाने को नूर को। अरे वो आएगा बात, आए बात ही पता चलेगा ना। नहीं वो आए बात बात करेंगे ना हमने सामने, अपन समझेगा ना कौन। नूर तो बहुत टेंशन दे रहा है यार मेरे को, दिमाग खराब हो रहा है। नूर को करेंगे बात। अब्दुल भाई नूर नहीं मान रहा, नहीं आ रहा इधर, उनको दिखाना ही पड़ेगा अभी क्या है। देंगे उनके पास अभी। नूर बहुत दिमाग खराब कर रहा है, मैं कल 25,000 दिया था उसे। नूर को हमारे सामने ला तू, ना तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे को बहुत टेंशन आ रहा है अभी। अब उन्हें नहीं आ रहा तो मेरा क्या है इसमें, इलेक्शन का इधर से भी पीछे जा रहा हूँ, उधर से पीछे जा रहा हूँ, क्या हूँ तो क्या करो फिर खबरी, ऐसा कर रहे क्या? उसको आमने सामने बात कर, हमारी उसके आमने सामने बात कर। नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, हमारे को लेके चल उसकी जगह। चल लेके चल चल। अब नूर नहीं आ रहा, तुम्हारा देख के लो, मैं जा रहा हूँ अब निकल को। अब्दुल भाई नूर का छोड़ो, अपन प्रचार पर ध्यान देंगे। चलो ठीक है ठीक है। इनके अब्दुल भाई के फार्म हाउस पर था, क्या काम था? हाँ हाँ, अरे वो अब्दुल ये कोटी को कितने तरह पैसे है, क्या है आप लोगों को बोल जरा जल्दी। हाँ लाला भाई,
एक कोट का वो 800 रुपए से 1000 रुपए दे रहा है, और कितना देगा वो भुक्का, इससे ज्यादा दे नहीं सकता। 1000 रुपए दे रहा क्या उन्हें? चल अपन ये 1500 देंगे एक कोट को, तो आ इधर बात करेंगे अपन। हाँ लाला भाई, हाँ इधर वाटप चालू है, मैं आ नहीं सकता, तुम्हारे को दूंगा मैं पल पल भर की खबर दे दूँ बाद में मिलकर। ठीक है ठीक है। आ रहे हैं वोट किसको देने? अपने लाला भाई भी ठहरे और अब्दुल भाई भी ठहरे हैं। जो ज़्यादा पैसे दिए उसे वोट डालने का। चलो अब्दुल भाई आ रहे हैं। अब्दुल भाई कैसा चल रहा है इलेक्शन? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इस बार जरा ध्यान दो हमारी तरफ डंडी को। क्या बिल्कुल बिल्कुल वसीम कैसे दे दो? ठीक है हाँ, और इस बार ध्यान दो जरा। हाँ ठीक है, जम के तैयारी करो, डंडी अपना। हाँ ठीक है ठीक है, ओके चलूंगा। चलो वोटर लोग को यहाँ क्यों बुलाए? घर घर जाके तो दे सकते थे ना पैसा। तेरा ये वोटिंग का मामला है, अपन घर घर जाके नहीं दे सकता पैसा मैं। हाँ ये पुलिस कैसा फोकस में है, इलेक्शन आया ये रहे वोटर लोग आ रहे। चल तो कोई बात नहीं, कितने लोग हो तुम? हम दो दो है क्या शेरा? हाँ ये दे दो उनको। ठीक है वोट लाला को ही देना चाहिए तुम लोग, और लाला जी भरोसा करके तुमको 3000 रुपए दे रहे हैं, ये दोनों जन ले ले। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाद। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष। लाला भाई को वोट डाले कि नहीं डाले? लाला भाई को जोड़ डाले मगर हमारे को पूरे काम होना वोट डाले तो था। तुम्हें टेंशन नको लो, लाला भाई है जब तक टेंशन नहीं लेने का। ठीक है तुम्हारा काम हुआ समझो। ठीक है हम तो लाला भाई को जोड़ डाले मगर पूरे काम हमारे को होना। हाँ ठीक है ठीक है, लाला भाई करते। हम तो अब्दुल भाई को वोट डाले मगर लाला को चुप दो दिए, लाला को डाले बोल के वोट। हम वोट तो हम अब्दुल भाई को डाले थे। पैसे मिले नहीं? ठीक है ठीक है चलता। जहाँ देखे वहाँ अपने चर्चे खाली। टेंशन नको लो लाला भाई, इस बार तुम्हें जीतेंगे इलेक्शन में। ढिंगाना होना खाली, ढिंगाना जीते बाद इलेक्शन में। हाँ लाला भाई ढिंगाना कर, खाली ढिंगाना कर, इलेक्शन जीते बाद खाली ढिंगाना कर। हाँ तुम्हें जीतेंगे लाला भाई, ढिंगाना कर तू खाली। क्या बोलो मैं तेरे को? हाँ क्या वसीम, सर्वे के मुताबिक कर तो अपन हार रहे। तो अब्दुल भाई अपन बहुत खेड़े अलग खेले सो है, तुम्हारे को आज नहीं कल मालूम पड़ेगा, रिजल्ट भी अपना कल है। नूर भी उसकी तरफ है। तुम्हारे को नूर किसके तरफ है क्या है वो कल मालूम पड़ेगा, आज तुम्हारा क्या मालूम नहीं पड़ता। आज इनको क्या करने का है करण दे, कल तुम रिजल्ट देख एक बार देखो फिर क्या होगा। अरे सब न्यूज में वो बता रहे ना, फिर सर्वे फिर सब वो अलग हुआ, वो उसका टेंशन मत लो तुम, हम बहुत खेड़ा खेले न्यूज में तो सब दिखा रहा ना वो, आप इसकी शिक्षा नहीं करके डाला की एग्जिट पोल तुम्हारे को मालूम है कि नहीं कैसा रहता है। तुम्हारी पक्की है मगर लाला की हवा चल रही ना, लेकिन हवा एक ही चलते रहती है लेकिन रिजल्ट दूसरा रहता है। एग्जिट पोल उसको बोलते हैं आप, तुम टेंशन मत लो, हम बहुत खेड़े अलग खेले तो हैं। ये बारी सीट तो पक्की तुम्हारी है। नहीं यार अपन नहीं जीत सकते इस बार। अरे अब्दुल भाई तुम टेंशन मत लो। अरे बहुत मुश्किल है अपनी सीट ये बारी। नहीं यार टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। क्या वसीम 2 मिनट में रिजल्ट है, बहुत टेंशन आ रहा मुझे। अरे तुम अब्दुल भाई टेंशन मत लो, अब 2 मिनट में देखो क्या होता है, खाली हमारे खेड़ा क्या क्या है देखो तुम बाद में। बहुत टेंशन आ रहा है यार मुझे। मुबारक हो, मुबारक हो। आ देखो रिजल्ट, ये नाच रे 2100 से लीड किया लिया पूरा, नाच रे।
इस वाड़े में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ भाई भराने वास्ते दिखा दू तुम्हें खेतदारों में दिखा दू तू आप तुम गिरे वाले हैं राजनीति क्या चीज है और कैसा खेलने का पैसा रहा तो मतलब नहीं है। दिमाग लगता है दिमाग लगा था जिसको दिखा दो।